Now we have Parseval identity for Fourier transform. That is, if fs is the Fourier transform of ft and gs is the Fourier transform of gx, so then 1 by 2 pi integral from minus infinity to infinity fs g bar s ds is equal to minus infinity to infinity fx g bar x dx. बार का मतलब है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट. तो आप देखिए जो g बार x है वो कैसे निकालते हैं, पहले वही निकाल लेते हैं. We know that gx की वैल्यू अगर हम देखें तो gx हमारे पास क्या है, gx gs का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है, दैट इज की f इनवर्स ऑफ gs, और बाय डेफिनेशन इट इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी ए रेस टू पावर आइटा s. ये x में है तो x लिखेंगे, ठीक है, और यहां पर क्या लिखेंगे, g s d s. ये डेफिनेशन है gx की. अब यहां पर है बार, तो बार कैसे हो जाएगा, फिर g बार x की वैल्यू हमारे पास बनेगी 1 बाय 2 पाई, यानी जहां पर भी आपके पास फंक्शन है उसके ऊपर बार आ जाएगा. तो ये तो कॉस्ट है, आपके पास कहीं पर भी आइटम है इसमें रियल है, तो ये माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी. एक ये आपके पास फंक्शन है इसमें आइटम को चेंज कर देंगे माइनस आइटम में, तो ये रेस टू पावर माइनस आइटा एस एक्स, और इसके ऊपर आपके पास आ जाएगा बार. अब हम तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें, तो ये देखिए क्या बनता है, देयरफॉर इंटीग्रल माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एफ एक्स जी बार एक्स डी एक्स. तो जी बार एक्स की वैल्यू पुट करें अगर हम 1 बाय 2 पाई इंटीग्रल माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी ई रेस टू पावर माइनस आइटा एस एक्स, और ये जी बार एस डी एस, और हम इसमें पहले कर रहे हैं इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये एक्स भी आ गया. अब हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को इंटरचेंज करने वाले हैं डी एक्स और डी एस को. तो ये देखिए इसमें सबसे पहले कॉन्स्टेंट को तो बाहर निकाल दो, लिमिट सेम है ही. अब पहले हम करेंगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये जो एस का फंक्शन है तो ये है, इसको बाहर निकाल देते हैं, यानी कि ये जी बार एस बाहर रख दिया, बाकी जो कुछ बच गया वो इंटीग्रल के अंदर रहेगा. तो क्या क्या हमारे पास, ई रेस टू पावर माइनस आइटा एस एक्स है, और क्या है ये एफ एक्स है, और ये डी एक्स. ये डी एस बाद में लिखेंगे इस वाले इंटीग्रल के लिए. अब देखिए ये जो है, देखो अगर ध्यान से देखें यहां से लेकर यहां तक, ये क्या बनता है हमारे पास, ये चीज क्या बनती है हमारे पास, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स. एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स को क्या लिखते हैं हम, एफ एक्स एफ एस, और ये जी बार एस एस डीज, ये डी एस एस डीज. तो देखिए हम राइट साइड लेके तो लेते हैं हम, और हमने लेफ्ट हैंड साइड तक आ चुके हैं. तो वी आर प्रूव दिस फर्स्ट पार्ट. अब सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं. सेकंड पार्ट में और फर्स्ट पार्ट में क्या फर्क है, ये एफ एस है, ये जी बार एस है, इसमें ये भी एफ एस और ये भी एफ एस है. तो हम क्या करेंगे, टेकिंग और राइट साइड में देखिए, यानी कि एफ एक्स को और जी एक्स को बराबर ले लेते हैं, सो दैट एफ एस एंड जी एस आर इक्वल. तो देखिए ये चीज हमारे पास क्या बन जाएगी, 1 बाई 2 पाई माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी ये एफ एस और ये एफ बार एस डी एस, और ये चीज क्या बन जाएगी, माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एफ एक्स और ये एफ बार एक्स डी एक्स. अब देखिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स में एक फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग एफ एस और इसका कंजुगेट के प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसके मॉडल्स का स्केयर, और सेम यहां पर मॉडल्स ऑफ एफ एक्स स्केयर.
दिस साइन पार्ट प्रूव हो गया। नाउ वी हैव पार्सवल आइडेंटिटी फॉर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, दैट इज इफ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एस एस एंड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एक्स इक्वल टू जी एस एस, देन 2 by pi integral from 0 to infinity fss gss ds equal to integral from 0 to infinity fx gx dx। तो ये प्रूव करना है। इसमें भी हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, 0 to infinity fx gx dx। अब देखिए जो gx है वो gss का इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है, तो इसकी वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो क्या बनेगी, देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी 2 बाय पाई 0 टू इनफिनिटी, और ये इसके लिए आएगा हमारे पास जी एस एस, ये लिखेंगे और क्या आएगा साइन एस एक्स, और यहां पर आएगा डीएस, और इसमें था डीएक्स तो डीएक्स अब बाद में लिख देंगे, यानी कि यहां पर एक ये ब्रैकेट लगा दिया हमने। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इंटीग्रेशन का जो ऑर्डर है उसको इंटरचेंज करने वाले हैं, यानी कि पहले हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स फिर एस, ये कांस्टेंट है ही, तो ये वाले हमारे पास नहीं, पहले इसको लिखेंगे, इसमें जो कांस्टेंट था उसको बाहर निकाल दिया हमने, ये 0 टू इंफिनिटी हम पहले करेंगे एक्स में, तो जो एक्स का फंक्शन नहीं है जैसे ये इसको बाहर लिख देते हैं, यानी कि यहां पर जी एस एस, और इस इंटीग्रल में हमारे पास क्या बचेगा, एक एफ एक्स बचेगा और ये साइन एस एक्स डी एक्स, क्योंकि हम पहले एक्स में कर रहे हैं और एस में हम करेंगे बाद में, तो इसको हमने बाद कर दिया, यहां पर ये ब्रैकेट लगा दी। अब ये तो एज इट इज, अब देखिए ये किस, ये क्या चीज है, ये अगर हम ध्यान से देखें तो दिस इज द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, इसको हम लिख देंगे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एस एस। तो देखिए हमने ये जो प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट हम प्रूव कर चुके हैं, सेकंड पार्ट में क्या है, अगर हम यहीं पे करें सेकंड पार्ट में इन दोनों का लेंगे सेम, यानी कि एफ एक्स को और जी एक्स को लेते हम इक्वल, तो देयरफॉर जो एफ एस एस होगा और जो जी एस एस होगा वो आपके पास क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो देखिए ये चीज क्या बन जाती है, अगर हम इसी में रखना चाहें यहां पर और ये अगर रखना चाहें तो क्या बनेगा, 2 बाई पाई 0 टू इंफिनिटी, अब ये सेम सेम होंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, उसका स्केयर बन जाएगा, तो उसको लिखेंगे हम एफ एस एस और इसका स्केयर डी एस इक्वल टू, यहां पर भी सेम सेम है तो स्केयर बन जाएगा, तो 0 टू इंफिनिटी एफ एक्स स्केयर डी एक्स, तो ये साइन पार्ट है हमारे पास, तो ये भी हमने प्रूव कर दिया।